अपने बच्चों को हम शिक्षा दिलाते हैं कि वो अच्छे संस्कारों का अर्जन करें। अच्छे संस्कारों का आशय लोग लेते हैं कि वो अपनी रोजी रोटी, आवास, विकास की समस्याओं को हल कर ले। ईश्वर की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। किसी किसी के पास इतना कुछ है कि प्रभु को पुकारने की आवश्यकता ही नहीं समझता। किंतु ये सब कुछ पार्थिव ही तो है, न चाहते हुए भी सारा वैभव यहीं छोड़ जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर की पहचान ही एकमात्र संबल है, जिसे प्रदान कर रहा है यथार्थ गीता का ये कैसेट प्रसारण। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता अथ दशमोध्याय। गत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुप्त राजविद्या का चित्रण किया, जो निश्चय ही कल्याण करती है। दसवें अध्याय में उनका कथन है कि महाबाहु अर्जुन, मेरे परम रहस्य युक्त वचन को फिर भी सुन। यहां उसी को दूसरी बार कहने की आवश्यकता क्या है? वस्तुतः साधक को पूर्ति पर्यंत खतरा है। ज्यों ज्यों वो स्वरूप में ढलता जाता है, प्रकृति के आवरण सूक्ष्म होते जाते हैं, नए नए दृश्य आते हैं। उसकी जानकारी महापुरुष ही देते रहते हैं, वो नहीं जानता। यदि वे मार्गदर्शन करना बंद कर दें, तो साधक स्वरूप की उपलब्धि से वंचित रहेगा। जब तक वो स्वरूप से दूर है, तब तक सिद्ध है कि प्रकृति का कोई ना कोई आवरण बना है, फिसलने लड़खड़ाने की संभावना बनी रहती है। अर्जुन शरणागत शिष्य है। उसने कहा था, शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। भगवन, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं, मुझे संभालिए। अतः उसके हित की कामना से योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः बोले, श्री भगवान उवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। महाबाहु अर्जुन, मेरे परम प्रभाव युक्त वचन को पुनः सुन, जो मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के हित की इच्छा से कहूंगा। नमे विदु सुरगणाः प्रभवं नमहर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम्। मेरा वो जन्म और कर्म अलौकिक है, इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। इसलिए मेरे उस प्रकट होने को देव और महर्षि स्तर तक पहुंचे हुए लोग भी नहीं जानते। मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूं। यो मामजमनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढः समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझ जन्म मृत्यु से रहित, आदि अंत से रहित, सब लोगों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित विदित कर लेता है, वो पुरुष मरण धर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है, अर्थात अज, अनादि
और सर्वलोक महेश्वर को भली प्रकार जानना ही ज्ञान है, और ऐसा जानने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये उपलब्धि भी मेरी ही देन है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। अर्जुन, निश्चयात्मिका बुद्धि, साक्षात्कार सहित जानकारी, लक्ष्य में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति, क्षमा, शाश्वत सत्य, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, अंतःकरण की प्रसन्नता, चिंतन पथ के कष्ट, परमात्मा की जागृति, स्वरूप की प्राप्ति काल में सर्वस्व का विलय, इष्ट के प्रति अनुशासनात्मक भय और प्रकृति से निर्भयता तथा अहिंसा समता तुष्टि तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक् विधाः। अहिंसा अर्थात अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाने का आचरण, समता जिसमें विषमता न हो, संतोष मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना, दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण, भगवत पथ में मान अपमान का सहन। इस प्रकार प्राणियों के उपर्युक्त भाव मुझसे ही होते हैं। ये सभी भाव दैवी चिंतन पद्धति के लक्षण हैं। इनका अभाव ही आसुरी संपद है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। सप्तर्षि अर्थात योग की सात क्रमिक भूमिकाएं अर्थात शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्था भावना और तुर्यगा तथा इनके अनुरूप अंतःकरण चतुष्टय अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसके अनुरूप मन जो मेरे में भाव वाला है, ये सब मेरे ही संकल्प से अर्थात मेरी प्राप्ति के संकल्प से तथा जो मेरी ही प्रेरणा से होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उत्पन्न होते हैं। इस संसार में ये अर्थात संपूर्ण दैवी संपद इन्हीं की प्रजा है, क्योंकि सप्त भूमिकाओं के संचार में दैवी संपद ही है, अन्य नहीं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष योग की और मेरी उपर्युक्त विभूतियों को साक्षात्कार के साथ जानता है, वो स्थिर ध्यान योग द्वारा मुझ में एक ही भाव से स्थित होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे दीपक की लौ सीधी जाती है, कंपन नहीं होता, योगी के जीते हुए चित्त की यही परिभाषा है। प्रस्तुत श्लोक में अविकंपेन शब्द इसी आशय की ओर संकेत करता है। अहम् सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है,
इस प्रकार मानकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त विवेकी जन मेरा निरंतर भजन करते हैं। तात्पर्य यह है कि योगी द्वारा मेरे अनुरूप जो प्रवृत्ति होती है उसे मैं ही किया करता हूं, वो मेरा ही प्रसाद है। कैसे है इसे पीछे स्थान स्थान पर बताया जा चुका है। वे निरंतर भजन किस प्रकार करते हैं इस पर कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च माम् नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। अन्य किसी को स्थान न देकर मुझ में ही निरंतर चित्त को लगाने वाले, मुझ में ही प्राणपण से प्राणों को लगाने वाले सदैव परस्पर मेरी प्रक्रियाओं का बोध करते हैं, मेरा गुणगान करते हुए ही संतुष्ट होते हैं तथा निरंतर मुझ में ही रमण करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं वो बुद्धि योग अर्थात योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं, अर्थात योग की जागृति ईश्वर की देन है। वो अव्यक्त पुरुष महापुरुष योग में प्रवेश दिलाने वाली बुद्धि कैसे देता है। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर रथी होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित कर नष्ट करता हूं। वस्तुतः किसी स्थित प्रज्ञ योगी द्वारा जब तक वो परमात्मा आपके आत्मा से ही जागृत होकर संचालन नहीं करता तब तक वास्तव में यथार्थ भजन आरंभ ही नहीं होता। वैसे तो भगवान सर्वत्र से बोलने लगते हैं लेकिन प्रारंभ में वे स्वरूपस्थ महापुरुष द्वारा ही बोलते हैं। यदि ऐसा महापुरुष आपको प्राप्त नहीं है तो वे आपसे स्पष्ट नहीं होंगे। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुं आहुस्त्वामृषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिमि। भगवन, आप परब्रह्म परम धाम तथा परम पवित्र हैं क्योंकि आपको सभी ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। परम पुरुष परम धाम का ही पर्याय दिव्य पुरुष अजन्मा आदि शब्द है। देवर्षि नारद असित देवल व्यास तथा स्वयं आप भी मुझसे वही कहते हैं, अर्थात पहले भूतकालीन महर्षि कहते हैं, अब वर्तमान में जिनकी संगत उपलब्ध है नारद देवल असित और व्यास का नाम लिया जो अर्जुन के समकालीन थे, अर्थात सत्पुरुषों की संगति अर्जुन को प्राप्त थी। आप भी वही कहते हैं अतः
सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवा। हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे लिए कह रहे हैं वो सब मैं सत्य मानता हूं। आपके व्यक्तित्व को न देवता और न दानव ही जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देव देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषों में उत्तम, स्वयं आप ही अपने को जानते हैं, अथवा जिसकी आत्मा में जागृत होकर आप जना देते हैं वो जानता है, वो भी आपके द्वारा आपका जानना हुआ। इसलिए वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्यतिष्ठसि। आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्ण रूप से लेश मात्र भी शेष न रखकर कहने में सक्षम हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथं विद्यामहं योगिन स्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे योगिन, श्री कृष्ण एक योगी थे। मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, मैं किन किन भावों द्वारा आपका स्मरण करूं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तेहि श्रृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और योग की विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। संक्षेप में तो इसी अध्याय के आरंभ में कहा ही है, पुनः कहिए, क्योंकि अमृत तत्व को दिखाने वाले इन वचनों को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। जब तक प्रवेश नहीं मिल जाता तब तक उसे अमृत तत्व को जानने की पिपासा बनी रहती है। प्रवेश से पूर्व रास्ते में ही यह सोचकर कोई बैठ गया कि बहुत जान लिया तो उसने नहीं जाना, सिद्ध है कि उसका मार्ग अवरुद्ध होना चाहता है। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इष्ट के निर्देशन को पकड़ते रहना चाहिए और उसे आचरण में ढालना चाहिए। अर्जुन की उक्त जिज्ञासा पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान वाच। हन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को उनमें से प्रमुख विभूतियों को तुझसे कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः
अहमादिश्च मध्यंच भूतानामंत एवच। अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं, अर्थात जन्म मृत्यु और जीवन भी मैं ही हूं। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूं। वायु के भेदों में मैं मरीचि नामक वायु और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदों में मैं सामवेद अर्थात पूर्ण समत्व दिलाने वाला गायन हूं। देवों में मैं उनका अधिपति इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं, क्योंकि मन के निग्रह से ही मैं जाना जाता हूं, तथा प्राणियों में मैं उनकी चेतना हूं। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूं, शंख धन अर सा शंकर अर्थात शंकाओं से उपराम अवस्था में हूं। यक्ष तथा राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूं। 8 वसुओं में मैं अग्नि और शिखर वालों में सुमेरु अर्थात शुभों का मेल मैं हूं। वही सर्वोपरि शिखर है, न कि कोई पहाड़ी। वस्तुतः ये सब योग साधना के प्रतीक है, यौगिक शब्द है। पुरोधसांच मुख्यम मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानी नामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुर की रक्षा करने वाले पुरोहितों में बृहस्पति मुझे ही जान, जिससे दैवी संपद का संचार होता है, और हे पार्थ सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूं। कर्म का त्याग ही कार्तिक है, जिससे चराचर का संहार प्रलय और इष्ट की प्राप्ति होती है। जलाशयों में मैं समुद्र हूं। महर्षीणां भृगुरहम् गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षियों में मैं भृगु हूं और वाणी में एक अक्षर ओमकार हूं, जो उस ब्रह्म का परिचायक है। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। यज्ञ परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है। उसका सारांश है स्वरूप का स्मरण और नाम का जप। दो वाणियों से पार हो जाने पर नाम जब यज्ञ की श्रेणी में आता है तो वाणी से नहीं जपा जाता, न चिंतन से न कंठ से, बल्कि वो श्वास में जागृत हो जाता है। केवल सुरत को श्वास के पास लगाकर मन से अविरल चलना भर पड़ता है। यज्ञ की श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर निर्भर है, ये क्रियात्मक है। स्थिर रहने वालों में हिमालय हूं। शीतल सम और अचल एकमात्र परमात्मा है।
जब प्रलय हुआ तब मन उसी शिखर में बंध गया। अचल सम और शांत ब्रह्म का प्रलय नहीं होता, उस ब्रह्म की पकड़ मैं हूं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सब वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। अश्व कल तक भी जिसके रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती, ऐसा ऊर्ध्व मूलधः शाखम अश्वत्थ। ऊपर परमात्मा जिसका मूल है, नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं, ऐसा संसार ही एक वृक्ष है जिसे पीपल की संज्ञा दी गई है। सामान्य पीपल का वृक्ष नहीं कि पूजा करने लगे। इसी पर कहते हैं कि वो मैं हूं और देवर्षियों में मैं नारद हूं। नाद रंध्रह सनारद, दैवी संपद इतनी सूक्ष्म हो गई कि स्वर में उठने वाली ध्वनि अर्थात नाद पकड़ में आ जाए, ऐसी जागृति मैं हूं। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं अर्थात गायन अर्थात चिंतन करने वाली प्रवृत्तियों में जब स्वरूप चित्रित होने लगे वो अवस्था विशेष मैं हूं। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं, काया ही कपिल है, इसमें जब लव लग जाए उस ईश्वरीय संचार की अवस्था मैं हूं। उच्चै श्रवसमश्वाना विद्धि माम अमृतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्राणा नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मैं अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चै श्रवा नामक घोड़ा हूं। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है, आत्मा ही अजर अमर अमृत स्वरूप है। इस अमृत स्वरूप से जिसका संचार है वो घोड़ा मैं हूं। घोड़ा गति का प्रतीक है। आत्म तत्व को ग्रहण करने में मन जब उधर गति पकड़ता है घोड़ा है, ऐसी गति मैं हूं। हाथियों में ऐरावत नामक हाथी मैं हूं, मनुष्यों में राजा मुझको जान। वस्तुतः महापुरुष ही राजा है जिसके पास अभाव नहीं है। आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधु प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। शस्त्रों में मैं वज्र हूं, गायों में कामधेनु हूं। कामधेनु कोई ऐसी गाय नहीं है जो दूध के स्थान पर मनचाहा व्यंजन परसती हो। ऋषियों में वशिष्ठ के पास कामधेनु थी। वस्तुतः गो इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों का संयत होना इष्ट को वश में रखने वाले में पाया जाता है। जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं, उसके लिए उसी की इंद्रियां कामधेनु बन जाती है। फिर तो जो इच्छा करिहउ मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। प्रजनन करने वालों में नवीन स्थितियों को प्रकट करने वाला मैं हूं। प्रजनन, एक तो लड़का बाहर पैदा किया जाता है, चराचर में रात दिन पैदा ही होते हैं। चूहे चींटी रात दिन करते हैं ऐसा नहीं, बल्कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति, इस प्रकार वृत्तियों का परिवर्तन होता है। वो परिवर्तित स्वरूप मैं हूं। सर्पों में मैं वासुकी हूं। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्।
नागों में मैं अनंत अर्थात शेष नाग हूं। वैसे तो ये कोई सर्प नहीं है, गीता की समकालीन पुस्तक श्रीमद् भागवत में इसके रूप की चर्चा है कि इस पृथ्वी से 30,000 योजन की दूरी पर उस परमात्मा की वैष्णवी शक्ति है जिसके सिर पर यह पृथ्वी सरसों के दाने की तरह भार रहित टिकी है। उस युग में योजन का पैमाना चाहे जो रहा हो फिर भी यह पर्याप्त दूर है। वस्तुतः ये आकर्षण शक्ति का चित्रण है, वैज्ञानिकों ने जिसे ईथर माना है। ग्रह उपग्रह सभी उसी शक्ति के आधार पर टिके हैं। उस शून्य में ग्रहों का कोई भार भी नहीं है, वो शक्ति सर्प की कुंडली की तरह सभी ग्रहों को लपेटे है। यही है वो अनंत जिससे पृथ्वी धारण की जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी ईश्वरीय शक्ति मैं हूं, जलचरों में उनका अधिपति वरुण हूं तथा पितरों में अर्यमा हूं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 यम हैं। इनके पालन में आने वाले विकारों को काटना अरह है। विकारों के शमन से पितृ अर्थात भूत संस्कार तृप्त होते हैं, निवृत्ति प्रदान कर देते हैं। शासन करने वालों में मैं यमराज हूं अर्थात उपर्युक्त यमों का नियामक हूं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रह्लाद हूं, पर आह्लाद, पर के लिए आह्लाद, प्रेम ही प्रह्लाद है। आसुरी संपद में रहते हुए ईश्वर के लिए आकर्षण विकलता आरंभ होती है जिससे परम प्रभु का दिग्दर्शन होता है। ऐसा प्रेमोल्लास मैं हूं, गिनती करने वालों में मैं समय हूं। 1, 2, 3, 4 ऐसी गिनती या क्षण घड़ी दिन पक्ष मास इत्यादि नहीं, बल्कि ईश्वर के चिंतन में लगा हुआ समय मैं हूं। यहां तक कि जागत में सुमिरन करे सोवत में लव लाए, अनवरत चिंतन में समय मैं हूं। पशुओं में मृगराज, योगी भी मृधन ग अर्थात योग रूपी जंगल में गमन करने वाला है, तथा पक्षियों में गरुण मैं हूं। ज्ञान ही गरुड़ है। जब ईश्वरीय अनुभूति आने लगती है तब यही मन अपने आराध्य भगवान की सवारी बन जाता है, और जब यही मन संशय से युक्त है तब सर्प होता है, डसता रहता है, योनियों में फेंकता है। गरुड़ विष्णु की सवारी है। जो सत्ता विश्व में अणु रूप से संचारित है, ज्ञान संयुक्त मन उसे अपने में धारण करता है, उसका वाहक बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इष्ट को धारण करने वाला मन मैं हूं। पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में राम हूं। रमन्ति योगिनः यस्मिन् स रामः। योगी किसमें रमण करते हैं? अनुभव में। ईश्वर इष्ट रूप में जो निर्देशन देता है योगी उसमें रमण करते हैं। उस जागृति का नाम राम है और वो जागृति मैं हूं। मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा मैं हूं। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। हे अर्जुन,
सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं ही हूं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। जो आत्मा का आधिपत्य दिला दे वो विद्या मैं हूं। संसार में अधिकांश प्राणी माया के आधिपत्य में है, राग द्वेष काल कर्म स्वभाव और गुणों से प्रेरित है। इनके आधिपत्य से निकालकर आत्मा के आधिपत्य में ले जाने वाली विद्या मैं हूं, जिसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। परस्पर होने वाले विवादों में ब्रह्मचर्चा में जो निर्णायक है, ऐसी वार्ता मैं हूं। शेष निर्णय तो अनिर्णीत होते हैं। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में आकार ओमकार तथा समासों में द्वन्द्व नामक समास हूं। अक्षय काल मैं हूं। काल सदैव परिवर्तनशील है, किंतु वो समय जो अक्षय अजर अमर परमात्मा में प्रवेश दिलाता है वो अवस्था मैं हूं। विराट स्वरूप अर्थात सर्वत्र व्याप्त सबको धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूं। स्त्रियों में मैं यश शक्ति वाक्पटुता स्मृति मेधा अर्थात बुद्धि धैर्य और क्षमा मैं हूं। अध्याय 15 में श्लोक 16 के अनुसार पुरुष दो ही प्रकार के होते हैं, क्षर और अक्षर। संपूर्ण भूतादिकों की उत्पत्ति और विनाश वाले ये शरीर क्षर पुरुष हैं। वे नर मादा पुरुष अथवा स्त्री कुछ भी कहलाएं, श्री कृष्ण के शब्दों में पुरुष ही है। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो कूटस्थ चित्त के स्थिर काल में देखने में आता है। यहां भी बुद्धि इत्यादि स्त्रियों के ही गुण बताए गए। क्या इन सद्गुणों की आवश्यकता पुरुषों के लिए नहीं है? कौन ऐसा पुरुष है जो श्रीमान कीर्तिवान वक्ता स्मरण शक्ति संपन्न मेधावी धैर्यवान और क्षमावान नहीं बनना चाहता? बौद्धिक स्तर पर कमजोर लड़कों में इन्हीं गुणों का विकास करने के लिए माता पिता पढ़ाई की अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं। यहां कहते हैं कि ये लक्षण केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। अतः आप विचार कर देखें कि स्त्री कौन है। वस्तुतः आपके हृदय की प्रवृत्ति ही नारी है, उसमें इन गुणों का संचार होना चाहिए। इन गुणों को धारण करना स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबके लिए उपयोगी है। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम मासानां मार्गशीर्षोहम ऋतूनां कुसुमाकरः। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम अर्थात वृहत् से संयुक्त समत्व दिलाने वाला गायन हूं, अर्थात ऐसी जागृति मैं हूं। छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। गायत्री कोई मंत्र नहीं है जिसे पढ़ने से मुक्ति मिलती हो, वरन एक समर्पणात्मक छंद है। तीन बार विचलित होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र ने अपने को इष्ट के प्रति समर्पित करते हुए कहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात भूः भुवः और स्वः तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त देव आप ही वरेण्य हैं,
हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी प्रेरणा करें कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ये मात्र एक प्रार्थना है। साधक अपनी बुद्धि से यथार्थ निर्णय नहीं ले पाता कि मैं कब सही हूं और कब गलत। उसकी ये समर्पित प्रार्थना मैं हूं जिसमें निश्चित कल्याण है, क्योंकि वो मेरे आश्रित हुआ है। मासों में शीर्षस्थ मार्ग मैं हूं, और जिसमें सदैव बहार हो ऐसा ऋतु, हृदय की ऐसी अवस्था भी मैं ही हूं। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूं, जुए में छल करने वालों का छल मैं हूं। तब तो अच्छा है, जुआ खेलें, उसमें कल बल छल करें, वही भगवान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रकृति ही एक जुआ है, यही ठगनी है। इस प्रकृति के द्वंद्व से निकलने के लिए दिखावा छोड़कर छिपाव के साथ गुप्त रूप से भजन करना ही छल है। छल है तो नहीं, किंतु बचाव के लिए आवश्यक है। जड़ भरत की तरह, उन्मत्त, अंधे, बहरे और गूंगे की तरह, हृदय से जानकार होते हुए भी बाहर से ऐसे रहें कि अनजान हो, सुनते हुए भी न सुने, देखते हुए भी न देखें, छिपकर ही भजन का विधान है। तभी साधक प्रकृति पुरुष के जुए में पार पाता है। जीतने वालों की विजय मैं हूं, और व्यवसायियों का निश्चय, जिसे अध्याय 2 श्लोक 41 में कह आए हैं। इस योग में निश्चयात्मक क्रिया एक है, बुद्धि एक ही है, दिशा एक ही है। ऐसी क्रियात्मक बुद्धि मैं हूं, सात्विक पुरुषों का तेज और ओज मैं हूं। वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। वृष्णि वंश में मैं वासुदेव अर्थात सर्वत्र वास करने वाला देव हूं। पांडवों में मैं धनंजय हूं। पुण्य ही पांडु है और आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। पुण्य से प्रेरित होकर आत्मिक संपत्ति को अर्जित करने वाला धनंजय मैं हूं। मुनियों में मैं व्यास हूं। परम तत्व को व्यक्त करने की जिसमें क्षमता है वो मुनि मैं हूं। कवियों में उष्णा अर्थात उसमें प्रवेश दिलाने वाला काव्यकार मैं हूं। दंडोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम् चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानम् ज्ञानवतामहम्। दमन करने वालों में दमन की शक्ति मैं हूं। जीतने की इच्छा वालों की मैं नीति हूं। गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूं, और ज्ञानवानों में साक्षात के साथ मिलने वाली जानकारी पूर्ण ज्ञान मैं हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूं, क्योंकि चर और अचर ऐसा कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, सब मेरे ही सकाश से है। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो
विभूतेर विस्तरो मया। परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, अपनी विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप से कहा है, वस्तुतः वे अनंत हैं। इस अध्याय में कुछ ही विभूतियों का स्पष्टीकरण किया गया है, क्योंकि अगले ही अध्याय में अर्जुन इन सबको देखना चाहता है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन से ही विभूतियां समझ में आती है। विचारधारा समझने के लिए इसी से थोड़ा अर्थ दिया गया। यद्यद् विभूतिमत् सत्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवम्। जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उन उनको तू मेरे तेज के एक अंश मात्र से उत्पन्न हुई जान। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है, मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। उपर्युक्त विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य ये नहीं है कि आप या अर्जुन इन सभी वस्तुओं को पूजने लगे, बल्कि श्री कृष्ण का आशय केवल इतना ही है कि इन सब ओर से श्रद्धा समेट कर केवल उन अविनाशी परमात्मा में लगावे। इतने से ही उनका कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। निष्कर्ष। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं तुझे पुनः उपदेश करूंगा, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। पहले कह चुके हैं, फिर भी कहने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्ति पर्यंत सद्गुरु से सुनने की आवश्यकता रहती है। मेरी उत्पत्ति को न देवता और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं उनका भी आदि कारण हूं। अव्यक्त स्थिति के पश्चात की सार्वभौम अवस्था को वही जानता है जो हो चुका है, जो मुझ अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित जानता है, वही ज्ञानी है। बुद्धि, ज्ञान, असम्मूढ़ता, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, संतोष, तप, दान और कीर्ति के भाव, अर्थात दैवी संपत्ति के उक्त लक्षण मेरी देन है। सात महर्षिजन अर्थात योग की सात भूमिकाएं, उससे भी पहले होने वाले तदनुरूप अंतःकरण, चतुष्टय और इनके अनुकूल मन जो स्वयंभू है, स्वयं रचयिता है, ये सब मुझ में भाव वाले, लगाव और श्रद्धा वाले हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है, ये सब मुझसे ही उत्पन्न है, अर्थात साधनामयी प्रवृत्तियां मेरी ही प्रजा है। इनकी उत्पत्ति अपने से नहीं, गुरु से होती है। जो उपर्युक्त मेरी विभूतियों को साक्षात जान लेता है, वह निस्संदेह मुझ में एक ही भाव से प्रवेश करने योग्य है। अर्जुन, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, ऐसा जो श्रद्धा से जान लेते हैं, वे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, निरंतर मुझ में मन, बुद्धि और प्राणों से लगने वाले होते हैं, आपस में मेरा गुण चिंतन और मुझ में रमण करते हैं, उन निरंतर मुझसे संयुक्त हुए पुरुषों को मैं योग में प्रवेश करने वाली बुद्धि प्रदान करता हूं, यह भी मेरी ही देन है। किस प्रकार बुद्धि योग देते हैं? तो अर्जुन, आत्मभावस्थ, उनकी आत्मा में जागृत होकर खड़ा हो जाता हूं और उनके हृदय में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट करता हूं। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, आप परम पवित्र, सनातन, दिव्य, अनादि और सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसा महर्षिगण कहते हैं,
तथा वर्तमान में देवर्षि नारद, देवल, व्यास और आप भी वही कहते हैं। यह सत्य भी है कि आपको न देवता जानते हैं और न दानव, स्वयं आप जिसे जना दे वही जान पाता है। आप ही अपनी विभूतियों को कहने में समर्थ हैं, अतः जनार्दन आप अपनी विभूतियों को विस्तार से कहिए। पूर्ति पर्यंत इष्ट से सुनते रहने की उत्कंठा बनी रहनी चाहिए। आगे इष्ट के अंतराल में क्या है उसे साधक क्या जाने। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक एक करके अपनी प्रमुख विभूतियों का लक्षण संक्षेप में बताया, जिनमें से कुछ तो योग साधन में प्रवेश करने के साथ मिलने वाली अंतरंग विभूतियों का चित्रण है और शेष कुछ समाज में रिद्धियों सिद्धियों के साथ पाई जाने वाली विभूतियों पर प्रकाश डाला। और अंत में उन्होंने बल देकर कहा, अर्जुन बहुत कुछ जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। इस संसार में जो कुछ भी तेज और ऐश्वर्य युक्त वस्तुएं हैं वह सब मेरे तेज के अंश मात्र में स्थित हैं। वस्तुतः मेरी विभूतियां अपार हैं। ऐसा कहते हुए योगेश्वर ने इस अध्याय का पटाक्षेप किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों की मात्र बौद्धिक जानकारी दी, जिससे अर्जुन की श्रद्धा सब ओर से सिमट कर एक इष्ट में लग जाए। किंतु बंधुओं, सब कुछ सुन लेने और बाल की खाल निकालकर समझ लेने के बाद भी चलकर उसे जानना शेष ही रहता है। यह क्रियात्मक पथ है। संपूर्ण अध्याय में योगेश्वर की विभूतियों का ही वर्णन है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे विभूति वर्णन योगो नाम दशमो अध्याय। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 10वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत्।